हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। दिस इज विनीत मैन राइट है एंड यू आर वाचिंग ओएनएस स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बैंकिंग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कैंडिडेट से। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल ONS Study Circle को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिल सकें जब भी हम वीडियो डालते हैं तब। दोस्तों, की जैसे कि इंटरव्यूज में जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक दिया हुआ है उस प्लेलिस्ट का, आप उसको देख सकते हैं। ऐसी बैंकिंग इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन होता है जो पूछा ही जाता है 99% ऑफ द केसेज में, वो है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर। अब कई बार कैंडिडेट्स क्या कहते हैं, ये कह देते हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें एक हैंडसम सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, उसमें क्या होता है स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए वो बैंकिंग जो सेक्टर है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको इस तरीके के आंसर्स नहीं देने हैं, आपको ये दिखाना है कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, क्यों आपको जो अट्रैक्ट करता है बैंकिंग सेक्टर वो क्यों करता है। आपको इस तरीके से कुछ आंसर देना है, सैंपल आंसर है हमारे पास दो। आप पहले में ये बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है आप उसमें इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर में जो कस्टमर का मनी होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसलिए काम जो है जॉब जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा, आप ये बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेशन करने में सबसे आगे होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बैंकिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है वो सेविंग को प्रमोट करता है जिससे कि कंट्री का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो अच्छा होता है, इसलिए ये जो है सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर भी है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सेक्टर है एक कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ में। तो इसलिए आप इसमें अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं जो भी नॉलेज आपके पास है उसके द्वारा। तो ये आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हो सकता है व्हाट इज़ बैंक, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस होते हैं शुरुआती वो बैंक से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड पूछे जाते हैं आपसे कि बैंक क्या है, ये क्या है, क्योंकि बैंक का ही इंटरव्यू है। तो पहले जो क्वेश्चन है कोर बैंकिंग के पूछेंगे वो आपसे। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाट इज़ अ बैंक, बैंक क्या है, क्या आप बैंक के लिए आए हैं जॉब करने के लिए, तो बताइए बैंक क्या होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इसको आंसर दीजिए, पहले हम देखते हैं कि बैंक का जो वर्ड है बैंक ये कैसे लिया गया है। ये लिया गया है दोस्तों इटालियन वर्ड बैंको से, जिसका मतलब होता है एक बेंच, इसको हम मनी एक्सचेंज टेबल भी कह सकते हैं। तो बैंक का दोस्तों क्या काम होता है कि मीडिएटर की तरह काम करता है, किसके बीच में, बोरोअर के बीच में और सेवर के बीच में। जो सेवर है बैंक उसका पैसा जमा करता है और उसको इंटरेस्ट देता है, और जो बोरोअर है उससे बैंक क्या करता है उसको पैसा देता है और उससे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करता है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है सेवर और बोरोअर के बीच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हो सकता है हाउ बैंक अर्न्स अ प्रॉफिट, बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करता है। कई तरीकों से दोस्तों बैंक प्रॉफिट अर्न करता है, कुछ मेन तरीके हो गए जैसे कि बैंकिंग वैल्यू चेन, कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी है बैंक ने तो उसके लिए वो चार्ज करता है तो वो उसके लिए प्रॉफिट है, कोई आप उससे फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं तो उसके लिए वो चार्ज करता है वो उसके लिए प्रॉफिट है। अगला होता है दोस्तों जैसे वो लोन देता है ब्रोअर को और उसके बदले इंटरेस्ट लेता है वो उसके लिए प्रॉफिट है। अगला हो सकता है दोस्तों कि कुछ एडिशनल चार्जेस जो वो लेता है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं, ऑनलाइन बिल भरते हैं तो उसके लिए वो चार्ज लेता है वो उसके लिए एक प्रॉफिट है। तो इस तरीके से बैंक जो है प्रॉफिट अर्न करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है विच बैंक इज नोन एज अ बैंकर्स बैंक। दोस्तों इसका आंसर है RBI विच इज़ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है दोस्तों, आपको इसके काम भी बताने हैं, सिर्फ यही नहीं बोलना कि वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पता चलता है कि आपकी नॉलेज सिर्फ यहीं तक है, लिमिटेड है, आपको थोड़ा सा आगे बताना है कि उसके काम क्या हैं। एक काम तो होता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि वो नोट छापता है, करेंसी को छापता है। एक जो मेन काम ये भी है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज यूज़ करता है, कैसे, जैसे दो केसेस होते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन और रिसेशन। इन्फ्लेशन लेते हैं पहले, इसमें क्या होता है लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है और चीज़ें जो होती हैं वो कम होती हैं, तो बैंक इसको कैसे मैनेज करता है, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देता है, तो जो बाकी बैंक है जो RBI से पैसा लेंगे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, आगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेती, वो पैसा पड़ा रहता है बैंक के पास। तो इस तरीके से पब्लिक के पास जो है पैसा कम हो जाता है और बैंकों के पास ज़्यादा रहता है, तो ये सिचुएशन मैनेज हो जाती है। रिसेशन के केस में क्या होता है दोस्तों, जिसको मंदी भी कहते हैं, पब्लिक के पास पैसा कम होता है और चीज़ें पड़ी रहती हैं वो बिकते नहीं हैं, तो बैंक इसको कैसे सोल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। बैंक क्या करता है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट गिरा देता है RBI, तो बाकी बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है, आगे वो कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं।
तो कस्टमर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं नई चीज़ों की तरफ, उनके पास पैसा आ जाता है और वो नई चीज़ें खरीदते हैं। इस तरीके से मंदी को भी रिजोल्व कर लिया जाता है RBI के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट आर द कमर्शियल बैंक्स। दोस्तों ये वो बैंक होते हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। इनका जो मेन मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। ये क्या करते हैं, पब्लिक को लोन देते भी हैं और उनके जो डिपॉजिट है वो जमा भी करते हैं। तो इन बैंकों में दोस्तों दो कैटेगरी के बैंक आते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक। दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं इसमें क्या होता है, जो मोर जो स्टेक होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स होते हैं जो, वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहते हैं। इनको हम जानते हैं प्राइवेट बैंक्स के नाम से भी, जैसे कि ICICI बैंक, SDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ऑन द अदर साइड दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स होते हैं गवर्नमेंट के। ये बैंक होते हैं जैसे कि SBI बैंक, इस तरीके के जो बैंक होते हैं जैसे कि कैनरा बैंक, ये होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ये दोनों ही आते हैं कमर्शियल बैंक्स में। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है दोस्तों आपके सामने, व्हाट आर द शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड वो होते हैं दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 जो एक्ट है उसके सेकंड शेड्यूल में आते हैं, वो होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। इसमें कुछ बातें हैं दोस्तों, जैसे बैंक की जो पेडअप कैपिटल है वो 5 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बैंक जो है एक कॉरपोरेशन होना चाहिए, एक पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ एक सोल प्रोपरेटरशिप नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक पर्सन का नहीं होना चाहिए, कॉरपोरेशन होना चाहिए। और बैंक जो है सेंट्रल बैंक को सेटिस्फाई करता हो कि जो उसके अफेयर्स हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जनरल पब्लिक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए तो बनता है शेड्यूल्ड बैंक। और दोस्तों नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, उनको हम सिंपली कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड ड्राफ्ट एंड अ चेक। दोस्तों ये दोनों ही होते हैं अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, चाहे वो अकाउंट सेम बैंक में हो चाहे अलग अलग। लेकिन चेक दोस्तों क्या होता है, एक बार चेक अगर आप देते हैं, इशू करते हैं, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट को ऐसा नहीं किया जा सकता, डिमांड ड्राफ्ट एक बार इशू हो जाने के बाद कैंसिल नहीं हो सकता। और चेक जो है दोस्तों वो एक पर्सन इशू करता है और डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक इशू करता है रिक्वेस्ट किए जाने पर पर्सन के बिहाफ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन। दोस्तों मान लीजिए एक बैंक में आपके दो अकाउंट हैं, एक है सेविंग अकाउंट और एक है क्रेडिट अकाउंट। अब आप एक चेक इशू करते हैं, एक अकाउंट में आपका पैसा कम पड़ जाता है, एक ही अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितने का आपने चेक इशू किया है, तो क्या करता है बैंक, ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन अगर एक्टिवेटेड है तो दूसरे अकाउंट से उतना पैसा ले लेगा जितना कम पड़ा और आपका चेक पास कर देगा। इस फैसिलिटी को कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये पेड फैसिलिटी है। डेफिनेटली यस, ये एक पेड फैसिलिटी है, बैंक आपको चार्ज करता है अगर वो आपको ये फैसिलिटी देता है, जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ बैंक अकाउंट। दोस्तों इसमें होता है कि आपको फोटोग्राफ चाहिए, एक ID प्रूफ चाहिए और आपको चाहिए एक एड्रेस प्रूफ। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। दोस्तों जब एक कंपनी लोन लेती है बैंक से तो उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट पेड करती है, वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है, उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द लाइन ऑफ क्रेडिट। दोस्तों ये एग्रीमेंट है बोरोअर और बैंक के बीच में, जिसमें बैंक ये कहता है कि आप इतना लोन ले सकते हैं। मान लीजिए बैंक ने लिमिट ली 5 लाख रुपए, तो जो बोरोअर है लेता है 2 लाख, तो उसको इंटरेस्ट देना है सिर्फ 2 लाख के ऊपर। जो लिमिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगा, जितना वो बोरो करता है अमाउंट उसके ऊपर ही इंटरेस्ट देगा। ये जो दोस्तों एक एग्रीमेंट है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ऑपरेट अ बैंक अकाउंट। पहला हो सकता है दोस्तों इसमें इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा हो सकता है मोबाइल बैंकिंग, तीसरा हो सकता है ब्रांच बैंकिंग, क्योंकि आप ब्रांच में जाके अपना बैंक अकाउंट जो है ऑपरेट कर सकते हैं। फोर्थ हो सकता है दोस्तों ATM मशीन से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। दोस्तों करंट अकाउंट होता है एक बिजनेसमैन के लिए, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। आप एक महीने में कितनी भी ट्रांजेक्शन करें, लिमिटलेस, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक यह है कि आपको जो अमाउंट है आपके अकाउंट में उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ऑन द अदर साइड जो सेविंग अकाउंट है इंटरेस्ट देता है जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है, लेकिन ये लिमिटलेस ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी नहीं देता है। कुछ ट्रांजेक्शन आप इसमें कर सकते हैं, उसके बाद एवरी ट्रांजेक्शन ये आपको चार्ज लेता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज APR। दोस्तों ये एब्रीवेशन है एनुअल परसेंटेज रेट का। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक चार्ज करता है, जो वो फैसिलिटी दे रहा है आपको उसके बदले में, जैसे कि यूज करते हैं आप जैसे क्रेडिट कार्ड, तो इन चीज़ों का जब वो इंटरेस्ट लेता है, जो वो फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं APR, एनुअल परसेंटेज रेट। अब एनुअल इसमें क्यों लगा, क्योंकि वो एनुअली लेता है इंटरेस्ट, इसलिए इसको कहते हैं एनुअल परसेंटेज रेट। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।